आज संबलपुर आईआईएम रो निजस्व कैंपस रो शिलान्यास करिबे प्रधानमंत्री। वर्चुअल मोड रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करिबा नै समस्त प्रस्तुति शेष होइछे। शिलान्यास उत्सव रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं केन्द्र मंत्री प्रताप षडंगी प्रमुख सामिल हेबे। गोशाला निकटस्थ बसनपुर निकटरे आईआईएम कैंपस पई मोट 401.9 कोटी टंका व्यय अटकल होइछे। 2022 सुधा कैंपस निर्माण शेष हेबार लक्ष्य रहिछे। संबलपुर आईआईएम 2015 मसीहारु आरंभ होइथिला। एबे एहा बुर्ला ज्योति बिहार यूनिवर्सिटी स्थित अस्थायी कैंपस रे चालुछे। निजस्व कैंपस हेले अधिक छात्र छात्री एठाकु आसिबे बोली संबलपुर आईआईएम निर्देशक सूचना दैछन्ते। एबे देशरे 20टी आईआईएम कॉलेज रहिछे, जेउठी मैनेजमेंट रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रहिछे। 1961 रे अहमदाबाद एवं कोलकाता आईआईएम स्थापित होइथिला। आज संबलपुर आईआईएम रो निजस्व कैंपस शिलान्यास करिबे प्रधानमंत्री, जहाँकि वर्चुअल मोड रे हेबो। वर्चुअल मोड रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहार शिलान्यास करिबे, सेथिपई समस्त प्रस्तुति गोटे प्रकार शेष होइछे। एहि शिलान्यास उत्सव रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं केन्द्र मंत्री प्रताप षडंगी प्रमुख सामिल हेबे। गोशाला निकटस्थ बसनपुर निकटरे आईआईएम कैंपस पई मोट 401.9 कोटी टंका व्यय अटकल कराजाइछे। आउ एहा 2022 सुधा कैंपस निर्माण शेष हेबार लक्ष्य धार्य कराजाइछे। संबलपुर आईआईएम 2015 मसीहारु आरंभ होइथिला। एबे एहा बुर्ला ज्योति बिहार यूनिवर्सिटी स्थित अस्थायी कैंपस रे चालुछे। निजस्व कैंपस हेले अधिक छात्र छात्री एठाकु आसिबे बोली संबलपुर आईआईएम निर्देशक सूचना दैछन्ते। देशरे एबे 20टी आईआईएम कॉलेज रहिछे, जेउठी मैनेजमेंट रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रहिछि। 1961 रे अहमदाबाद एवं कोलकाता आईआईएम स्थापित होइथिला। वर्तमान सुधा देशरे 20टी आईआईएम कॉलेज रहिछि, जेउठी मैनेजमेंट रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रहिछि। 1961 रे अहमदाबाद एवं कोलकाता आईआईएम स्थापित होइथिला। संबलपुर आईआईएम 2015 मसीहारु होइछि, किंतु एहा बुर्ला ज्योति बिहार यूनिवर्सिटी स्थित अस्थायी कैंपस रे चालुछे। आउ आजि आईआईएम रो निजस्व कैंपस रो शिलान्यास करिबे प्रधानमंत्री। आउ ए निजस्व कैंपस 2022 सुधा निर्माण कार्य शेष करा जिबा पई गोटे प्रकार लक्ष्य धार्य करा जाइछे। ए संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई आम सहित संबलपुर जोड़ी होइछन्ते आम प्रतिनिधि गुणमणि बिश्वा। गुणमणि, जहां सूचना जे आईआईएम रो निजस्व कैंपस रो आज शिलान्यास करिबाकु जाउछन्ते प्रधानमंत्री, जहां कि वर्चुअल मोड रे हेबो, प्रस्तुति कोन सब रहिछे? देखंतु निश्चित भावरे आपण जानिथिबे जेतेबेले संबलपुर आईआईएम रो माने पाठपढ़ा आरंभ होला, गोटे घरोई कॉलेज रे ता आरंभ होइतला। परवर्ती मुहूर्त रे आमर ज्योति बिहार जो बुर्ला यूनिवर्सिटी रही जो अस्थायी कैंपस कार्य करुच्छे, तो जिते आईएम नुआ आईएम जहां प्रतिष्ठा होता परवर्त मुहूर्त में सबुठ उच्च सर्वश्रेष्ठ स्थान रखी संबलपुर आईएम तापर तार निजस्व कैंपस वर्तमान होगापी घोषणा है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भर्चुआल मोड में तहार शिलान्यास करेंगे, जोटा कि गोशाला बसंतपुर हे। ए राज्य सरकार पाखापाखि 200 एकर जमी जगे अंपे 401 कोटी टंका खर्च हे। एप्रिल 2022 सुधा ता निर्माण सारे लक्ष्य रखाई। सबुठ बड़ कथा है जे ये पूरा टोटल कैंपस मान संपूर्ण कैंपस को सोलारकरण विद्युत जो जहां भी दरकार पड़ सब सोलार रु ही अणा विद्युत संजोग रही आमको जहां निर्देशक सांबादिक सम्मेलन सूचना दौले तेज आज प्रस्तुति प्रायत सरी जा सब प्रकार जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भर्चुआल मोड रोता बेले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भर्चुआल मोड रही, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भर्चुआल मोड रही, केन्द्र मंत्री प्रताप षडंगी निजे आईएम रे उपस्थित रही बसंतपुर जी। आउ जो माने रहुछंती पाखापाखि 5000 कॉर्पोरेट हाउस रो विशिष्ट व्यक्ति वर्चुअल मोड रे जुड़ी हेबे, तो निश्चित भाव रे जेतले निजस्व कैंपस आरंभ करिवो तो निजस्व जो कैंपस हेला परे आहुरी छात्र छात्री आसीबे, जो आईएम नुआ रूपरेख पाइबो। निश्चित भाव रे जो आईएम रो नुआ रूपरेख पाइला परे डायरेक्टर आउ गोटे कथा कहुतले जे सेतिरे संबलपुरी डिजाइन कांथरु आरंभ करिकि संबलपुरी डिजाइन हेबो, एवं जा मुखशाला हेबो आईएम रो
ତାହା କୋଣାର୍କର ଚକ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ତମାମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଏସବୁକୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତେବେ ଗୁଣମଳୀ ସମୟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ 9:30 ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ କଥା 9:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 11:07 ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ କରିବେ ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ତାପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 11:10 ଏହା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବାକି କଥା ରହିଲା ଯେ 9:30 ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରର ସାଧାରଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଏମଏଲଏ, ରେଙ୍ଗାଲି ଏମଏଲଏ, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 11:00 ସମୟ। ତେବେ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଗୁଣମଣି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।